नमस्कार, माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बंगाल की फेमस मिठाई पनीर से ये लांचा बनाएंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, एक कटोरी शक्कर लिया है और ये थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा मैदा और ये बादाम लिए हैं कटे हुए, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम इसको मसल लेंगे। इसमें हम सूजी डालेंगे और मैदा डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मसलेंगे, मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये सूखा लग रहा है। इसको मसल कर अच्छा सा डो बना लेना है। ये डो बन गया है, हमने अच्छी तरह से मसल दिया है और इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे जिससे कि इसकी सूजी फूल जाए। इसको जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम चाशनी बना लेंगे। ये एक कटोरी शक्कर है और इसी का हम आधा कटोरी पानी डालेंगे, इसी कटोरी से डालेंगे। और इसको हम चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे। ये चाशनी बन गई है, हम इसे उंगली और अंगूठे की सहायता से देखेंगे। बीच में ये चिपचिपाने लगी तो ये चाशनी तैयार हो जाती है रसगुल्ले के लिए। ये आप देख सकते हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। आधे घंटे हो गए हैं और ये पनीर वाला डो सेट हो गया है। अब इसके हम लांचा बना लेंगे। ये लोई तोड़ेंगे, और इसके बीच में ये कटे हुए बादाम डालेंगे थोड़े से। तो इस तरह से बनाना है। इसमें आप बादाम डालें या ना डालें, और भी मेवे भर सकते हैं आप। इसी तरह से सारे लांचा तैयार कर लेंगे। लांचा बन गए हैं और तेल गरम हो गया है, इनको हम सेक लेंगे। इनको हम धीमे धीमे आंच में सेकेंगे। ये पक गए हैं और इन्हें हम निकालेंगे। ये बहुत टेस्टी मीठा बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इन्हें हम चाशनी में डाल देंगे।
तरह से सारे लांचा बना लेंगे। ये सारे लांचा बन गए हैं और हमने चाशनी में डाल दिया। अब इन्हें थोड़ी देर पड़े रहने देंगे और ढक्का ढक देंगे। चाशनी में अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अब इन्हें हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मीठा बनता है, आप इसे दीपावली में बनाकर ट्राई करें। और ये बहुत स्पंजी होता है, आप चाहें तो इसे वर्क से डेकोरेट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।